सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी महासंघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ के कर्मचारियों ने सरकार व SJPL कंपनी के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। दरअसल सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के 180 कर्मियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। ये विभाग के नियमित कर्मचारी है जो शिमला में पीलिया फैलने के बाद नगर निगम की बनाई कंपनी SJPL में भेज दिए गए है। ये कंपनी शिमला में पानी व सीवरेज का काम देख रही है। अब इनको कंपनी वेतन नहीं दे रही है। एक कर्मचारी पहले की ही भांति प्रदेश सरकार के कोषागार से ही वेतन की मांग पर अड़ गई है। इस बाबत संघ मुख्यमंत्री से लेकर सभी उच्च अधिकारियों को अवगत करवा चुका है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। ग्रेटर शिमला के नाम से एक सर्कल IPH के अंदर होता था, उसको सरकार और विभाग द्वारा एक ऐसी कंपनी यहाँ पे खड़ी की गई कि जो सरकार को बगैर विश्वास लिए, विभाग को बगैर विश्वास लिए बनाई गई। उसमें एक विशेष अधिकारी जो एक धर्मेंद्र गिल के नाम से एक SC है, उसने सारे पेपर तैयार करवा के सेक्रेटरी IPH और सरकार को गुमराह करके इस कंपनी का निर्माण किया। उसमें हमारे सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के 180 लोग जो रेगुलर कर्मचारी है, जो एक अधीक्षक से लेकर पंप ऑपरेटर तक है, उनको सबको इस कंपनी के अधीन काम कर रहे थे और उनको बगैर अनुमति से, बगैर उनको विश्वास लिए उसमें काम कर रहे थे। जब ये कंपनी 2018 जून में बनी तो उसके बाद से लेकर मार्च 2019 तक जैसे सरकारी कर्मचारी पहले ही वेतन लेते थे, उसी तरीके से वो वेतन लेते रहे। अगला जो बजट आया 2019 अप्रैल में, तो उसमें कर्मचारियों को जब वेतन नहीं मिला अप्रैल महीने का, तब लगा कि हमारे साथ क्या हो गया। SJPL के MD धर्मेंद्र गिल पर मनमानी का आरोप लगाते हुए संघ के कार्यालय मंत्री दिनेश शर्मा ने कंपनी में रिटायर्ड व आउटसोर्स कर्मियों को पैसा खर्च करने का आरोप लगाया है। पोल स्टार हिमाचल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।